बार फिर चेंज हुआ जॉनवी कपूर की अपकमिंग फिल्म का टाइटल। जॉनवी की फिल्म के टाइटल में चेंजेस के साथ ही रिलीज डेट को भी किया गया पोस्टपोन। स्त्री की सुपर सक्सेस के बाद जहां राजकुमार राव के फैंस वरुण शर्मा और जॉनवी कपूर स्टारर हॉरर कॉमेडी के लिए काफी एक्साइटेड हैं, वहीं लगता है इस फिल्म के टाइटल के लिए फिल्म के मेकर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी तो इस फिल्म के टाइटल को तीसरी बार चेंज किया गया है। दरअसल इस फिल्म को पहले रूह अफजान नाम से अनाउंस किया गया था और फिर शूटिंग के दौरान इस फिल्म को टाइटल दिया गया रूही अफजा। पर अब इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ने साल 2020 के अपने फिल्मों के लाइनअप्स की जो लिस्ट शेयर की है उसमें से एक बार फिर राजकुमार और जॉनवी की इस फिल्म को एक नया टाइटल दिया गया है, विच इज रूही अफजाना। जहां पहले ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी, वहीं अब इस फिल्म की रिलीज डेट पर करीना कपूर और इरफान खान स्टारर अंग्रेजी मीडियम रिलीज होगी। ऐसे में जॉनवी कपूर और राजकुमार राव की हॉरर कॉमेडी के लिए ऑडियंस को अप्रैल तक इंतजार करना होगा। वेल, फिल्म में इन चेंजेस के पीछे की वजह फिल्म के मेकर्स का सुपरस्टिशन है या फिर कोई लीगल इशू, ये फिल्म के मेकर्स ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रितेश जिनेलिया ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म तुझे मेरी कसम से, और आज जिनेलिया ने शेयर किया कि किस तरह इस फिल्म ने और उनके रोमांस ने साथ साथ कंप्लीट किए 17 इयर्स। कियारा अडवाणी है अभी भी इन अ हॉलिडे मूड, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं उनके शेयर किए हुए वीडियो से। हरबंदा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू शेयर किया बिहाइंड द सीन वीडियो फ्रॉम हर रीसेंट ब्राइडल शूट। सारा अली खान ने शेयर किए कुछ वीडियोस फ्रॉम हर वेके। शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू शेयर की एक पिक्चर एज शी वाज सिटिंग विद हर फादर इन अ डीप लेक्चर। दिशा पाटनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू शेयर किया अपनी अपकमिंग फिल्म मलंग का फर्स्ट लुक। कार्तिक आर्यन चैलेंज कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी डायरेक्टर्स को टू कास्ट हिम एंड दीपिका पादुकोण इन अ मूवी टुगेदर। टाइगर श्रॉफ ने अपने लेटेस्ट वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा, विशिंग एवरीवन अ फ्लाइंग स्टार्ट टू द ईयर।